इस वीडियो में मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ। ये तस्वीर गुरुदत्त की एक बहुत मशहूर फिल्म के प्रीमियर से ली गई है। इस तस्वीर में गुरुदत्त हैं और साथ ही हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यानी वीआईपी, जिनको आज तक आपने किसी फिल्म के प्रीमियर पर या फिल्म के मुहूर्त पर नहीं देखा होगा। कौन है ये वीआईपी, अभी पता चल जाएगा। मैं हूं राहुल, यह 70mm विद राहुल। आज मैं जिस मशहूर गुरुदत्त फिल्म की बात कर रहा हूं वो 1959 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के दो प्रीमियर हुए थे। पहला प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर में था और दूसरा प्रीमियर दिल्ली के रीगल सिनेमा में था। आज ये फिल्म एक लेजेंड है, क्लासिक है, लेकिन उस साल बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप थी, जिसकी वजह से गुरुदत्त ने इस फिल्म के बाद फिल्में डायरेक्ट करना छोड़ दिया। ये फिल्म गुरुदत्त की ऑफिशियली आखिरी फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। कागज के फूल, इस फिल्म कागज के फूल का जो मुंबई में प्रीमियर हुआ था उसमें बंबई की जितनी भी फिल्मी हस्तियां थी वो सब आई थी, और दिल्ली में जो प्रीमियर हुआ था उसके लिए गुरुदत्त ने इनवाइट किया था राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, और एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्पेशल, एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये वो थे जो उस वक्त 1959 में इंडिया के उपराष्ट्रपति थे, और ये वो थे जो बाद में 1962 में जाके इंडिया के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। चला।